बच्चों आइए हम सीखेंगे कि रियासत किस तरह वजूद में आती है। पहले एक छोटे छोटी बस्तियां कस्बे होते हैं, इन छोटी छोटी बस्तियों और कस्बों से मिलकर एक छोटा गांव बनता है। ये छोटा गांव, जब छोटे छोटे गांव मिलते हैं तो ऐसे बहुत सारे गांव मिलकर एक तालुका बनता है, और जब तालुका वजूद में आता है तो ऐसे बहुत सारे तालुके मिलकर हम देखते हैं कि एक ज़िला वजूद में आता है। बहुत सारे ज़िले मिलकर एक रियासत वजूद में आती है, जैसे कि हमारी रियासत है रियासत महाराष्ट्र। तो हम आज रियासत महाराष्ट्र की मालूमात हासिल करेंगे। आइए बच्चों, हम आप देखेंगे कि हमारा एक छोटा सा गांव है, जैसे कि पाली। पाली ये एक छोटा सा गांव है। ये गांव छोटी छोटी बस्ती से मिलकर बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे गांव मिलकर एक तालुका वजूद में आया, जिसका नाम है हमारा तालुका, तालुका धरणगांव। बिल्कुल इसी तरह हमारा छोटे छोटे देहातों से मिलकर एक तालुका वजूद में आया, और बहुत सारे तालुके मिलकर एक ज़िला वजूद में आया, जैसे कि हमारा ज़िला जलगांव। आइए बच्चों, मैं आपको हमारे जलगांव ज़िले के कुछ तालुके के नाम बताता हूँ, जैसे रावेर, यावल, चोपड़ा, एरंडोल, मुक्ताई नगर, धरणगांव, अम्मल्ले, पाचोला, चालीसगांव। ऐसे बहुत से तालुके मिलकर हमारा ज़िला वजूद में आया, जैसे कि जलगांव ज़िला। बच्चों हमारी रियासत, रियासत महाराष्ट्र की मुख्तलिफ ज़िलों से मिलकर बनी हुई है। मुख्तलिफ ज़िलों के नाम जैसे मुंबई, ऊना, नासिक, नंदुरबार, धुलिया, अकोला और हमारा जलगांव। ऐसे बहुत सारे ज़िलों से मिलकर हमारी रियासत वजूद में आई है, इसका नाम है रियासत महाराष्ट्र।